वैसे तो दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद है, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने हालिया अमेरिकी दौरे चीन से तिल मिलाया हुआ है। इसी तिलमिलाहट से उसने ताइवान के पास सैन्याभ्यास भी शुरू कर दिया है, जिसे वह युद्ध की तैयारी बता रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ताइवान और चीन के बीच आखिर विवाद क्या है, ताइवान कैसे बना और उसका क्या इतिहास है। साल 1542 पुर्तगाली यात्रियों से भरा जहाज जापान जा रहा था। ये जहाज एक छोटे से द्वीप पर आया। ये द्वीप बहुत खूबसूरत था। इन पुर्तगालियों ने इसे हल्का फार्मोसा नाम दिया, जिसका मतलब होता है खूबसूरत द्वीप। पश्चिमी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध तक ताइवान को फार्मोसा के नाम से ही जाना जाता था। वहीं 1622 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित घेपू द्वीप पर एक बेस बनाया, लेकिन चीन के मिंस वंश की सेना ने उसे तुरंत खदेड़ दिया। इसके बाद 1624 में डचों ने ताइवान के ताइनान शहर में अपना बेस बनाया। डचों ने बेस के ताइवान को समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बना दिया। यहाँ से चीन, भारत, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप तक व्यापार होने लगा था। चीन इसमें बौखलाया हुआ है। वजह है ताइवान, अमेरिका और ताइवान की नज़दीकियाँ उसे परेशान कर रही है। ताइवान खुद को आज़ाद मुल्क बताता है, तो चीन का कहना है कि वो उसका हिस्सा है। चीन ताइवान के अस्तित्व को नकारता आया है और हर हाल में उसके एकीकरण का सपना देखता है। जी हाँ दोस्तों, नज़र डालते हैं बड़ी खबरों पर।